नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्वाड्रेट विधि द्वारा पादप समष्टि घनत्व का अध्ययन करना है और ये आपका बायोलॉजी का नवा एक्सपेरिमेंट है। क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी पादप समष्टि में उपस्थित पादप जातियों का घनत्व का अध्ययन करना है आपको, राइट। क्वाड्रेट विधि द्वारा किसी पादप समष्टि में उपस्थित पादप जातियों का घनत्व, जैसे आप देखते हैं कोई बगीचा है, वहाँ पर किस प्रकार के पौधे सबसे अधिक है, किस प्रकार के पौधे सबसे कम है, तो इस टाइप के आप एक्सपेरिमेंट करके वो कर सकते हैं। आवश्यक सामग्री में आपको क्या क्या लेना है, मटेरियल रिक्वायर्ड में क्वाड्रेट पेंसिल और यहाँ कागज स्केल, ये सब आपको नोटबुक वगैरह लेना है ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सके। क्या विधि आप अपनाएंगे इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। किसी क्षेत्र के पादप समष्टि में पादप जातियों का घनत्व करने के लिए एक निश्चित माप के आकार, लगभग कि 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, राइट, के क्वाड्रेंट अलग अलग कई स्थानों पर एवं विभिन्न दिशाओं में रखते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के लिए क्वाड्रेंट विभिन्न स्थानों पर रखते हैं, प्रयोग के लिए जो क्वाड्रेंट होगा वो आप अलग अलग स्थान पर रखेंगे और इनकी संख्या को सारणीबद्ध करते हैं। प्रत्येक क्वाड्रेंट में अलग अलग पादप जातियों की संख्या लिखते हैं, इसके पश्चात सूत्र की सहायता से पादप जातियों के घनत्व के लिए गणना करना है। और ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है, ये अपने टीचर की सहायता से थोड़ा इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और यहाँ पे हम आपको 9वां 10वां एक्सपेरिमेंट आपको हम अलग से आपके लिए दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, राइट। तो 9वां 10वां आप एक्सपेरिमेंट अलग से आप करिएगा और यदि आपको PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ लिंक से आप परचेस कर सकते हैं। और चैनल पर नए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ये हम कालम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप अपने सहायता से एक्सपेरिमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बनाया गया है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये सब कुछ है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए गणना आपको करना है, राइट, गणना भी आपको थोड़ा अपने से लिखना, परिणाम में जो भी आएगा आप इसकी सहायता से आप लिखेंगे, राइट। 10वां एक्सपेरिमेंट भी हमने बोला है आपको, यहाँ पे आप देखिए चतुष्क विधि द्वारा वनस्पति जनसंख्या तीव्रता का अध्ययन करना है, तो ये भी थोड़ा अपने आप से ही ये चीज़ें आपको वर्क करना है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा इसके बारे में हम सिद्धांत के बारे में बता दें, चतुष्क विधि द्वारा 15x15 सेंटीमीटर का लकड़ी का वर्ग है, इसमें 10x10 सेंटीमीटर छोटे छोटे वर्ग होते हैं और बाकी ये फार्मूला आपके लिए दिया गया है। विधि में आप देखेंगे, विधियाँ चलिए हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या है। उस क्षेत्र का चयन किया जिसका अध्ययन करना है, और मित्रों ये मत सोचिएगा लगभग सभी प्रैक्टिकल फाइल में ये हमने आपके लिए केवल 9-10 के लिए ऐसा किया है बस, बाकी और आप प्रैक्टिकल प्रयोग देखेंगे तो वहाँ से अपना PDF बना सकते हैं, सभी में आपका पूरा पूरा परिणाम दिया है, सब कुछ हमने बताया, केवल 2 हम आपके लिए ऐसा दे रहे हैं जो आप अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करके लिखेंगे। और चतुष्क बनाकर पौधों की संख्या ज्ञात की, चतुष्क में आने वाली पादप प्रजातियों का नाम लिखिए, प्रत्येक प्रजाति के एकाकियों की संख्या गिन कर लिखी जाती है। चतुष्क में पाए जाने वाले पादपों को एकत्र करके संग्रह किया, लगभग 10 चतुष्क बनाकर प्रयोग को दोहराया, राइट। ये देखिए ये कालम हमने बना दिया है, थोड़ा अपने टीचर सहायता से एक्सपेरिमेंट करिएगा। सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है, सावधानी हम आपको बता दे रहे हैं, पौधों की संख्या को सावधानीपूर्वक गिनकर लिखें ताकि एक्सपेरिमेंट गलत नहीं आए। प्रयोग के लिए उस क्षेत्र का चुनाव करें जहाँ वनस्पतियाँ समान रूप से उपजी हों। अध्ययन करने के लिए पौधों को एकत्र करके संग्रह करना चाहिए, राइट। तो चलिए बाकी हम 11वां एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।